हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम ये सिंपल सा मोटिव बहुत ही बेसिक स्टिचेस के साथ बनाना सीखेंगे। स्टिचेस हमने ऑलमोस्ट सब सीख लिए हैं, बस हम उनको मॉडिफाई कर करके नए नए डिजाइन बनाएंगे ताकि आपको नए नए आइडियाज मिल सकें। इस मोटिव को बनाने के लिए मैं एंकर के डिफरेंट शेड्स का इस्तेमाल करूंगी। अब हम ब्लू कलर के साथ लीव्स बनाएंगे, तो सबसे पहले हम यहां से शुरू करते हुए एक सेंटर स्टिच लेंगे। अब देखें, ऐसे हम अपने थ्रेड को आगे रखते हुए इस स्टिच के दोनों तरफ फ्लाई स्टिच बनाते हैं। ये हम क्लोजली फ्लाई स्टिच वर्क करेंगे और पूरी लीफ को फिल करेंगे। ये देखें, यहां पे टकिंग और फिर से साइड से शुरू करते हुए थ्रेड को आगे रखेंगे और दूसरी साइड से स्टिच लेते हुए सेंटर लाइन पे वर्क करेंगे। फिर इसको हम ऐसे टकिंग करेंगे तो ये सेंटर वेन और लीव फिलिंग दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, हमें सेंटर वेन भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। दोनों लाइंस पे हम साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं। ये देखिए, इस तरफ से सेंटर लाइन की तरफ, और जब हम सेंटर में टकिंग करते हैं तो जो सेंटर वेन है वो ऑटोमेटिकली बन जाती है, तो उससे ये लीव्स बड़े ही सुंदर बनते हैं। ऐसे, और इसकी यहां पे टकिंग। ये देखिए, हमारा पूरा लीफ जो है कितना ब्यूटीफुल बना है। इसी तरीके से हम इस तरफ भी लीफ बनाएंगे। बहुत इजी और बहुत ही ब्यूटीफुल वे है ये लीव्स बनाने का। तो ये देखें, ये लीफ भी हमारा कितना ब्यूटीफुल बना है। थोड़ी सी पेशेंस से बनाएंगे तो बहुत सुंदर लीव्स बनेंगे। ये हमारे लीव्स कितने ब्यूटीफुल बन रहे हैं। इसी तरीके से हम सबसे पहले सारा लीफ वर्क कर लेते हैं। अब हम ये छोटे फ्लावर्स बनाएंगे। पहले हम इनको यूं स्ट्रेट स्टिचेस के साथ सेंटर में फिनिश करेंगे। ये मैंने कलर चेंज कर लिया है, आप अपने मनपसंद वाइब्रेंट से कलर्स लगा सकते हैं ताकि आपके मोटिफ बहुत ही सुंदर बने। तो इस तरीके से हम ये पहले पांच पेटल्स का फ्लावर बना लेंगे। अब लाइटर शेड के साथ हम इन लीव्स को यूं कवर करते जाएंगे। ये देखिए, थ्रेड आगे रखते हुए यूं इसको कवर करेंगे। ये देखिए, हम यूं हर पेटल को थ्रेड आगे रखते हुए कवर कर लेंगे ऐसे। तो
तो ये बहुत सुंदर स्टार शेप फ्लावर्स बनते हैं। इसी तरीके से बाकी फ्लावर्स भी हम यूं ही बनाएंगे। अब ये जो राउंड फ्लावर्स हैं ये बनाएंगे हम ऐसे यहां पे। तो इनको भी हमने बहुत सिंपल वे से बनाया है। हमने डबल रैप की फ्रेंच नॉट्स पहले एक कलर से लगा ली, ये देखिए थोड़ी लूज बनाएंगे ताकि इफेक्ट सुंदर आए। अब इसके बाहर हम एक लेजी डेजी स्टिच बनाएंगे, पर उससे पहले हम ये जो हमारे फ्लावर्स हैं इनके बीच में भी एक एक फ्रेंच नॉट लगा लेंगे। अब हम पीच कलर के साथ इसके चारों तरफ स्टिच लेते हुए एक एक लेजी डेजी स्टिच बनाएंगे। ये देखें थ्रेड को हमने आगे रख लिया है और इसको बीच में लेते हुए यूं हल्का सा खींचेंगे। ये देखें राउंड दिखना चाहिए तभी ये अच्छा लगेगा। अब ये जो हमारी स्पाइक्स हैं इनको हम फ्लाई स्टिच के साथ वर्क करेंगे। ये देखें एक बार एक तरफ से फिर दूसरी तरफ से लाइन के ऊपर यूं थ्रेड को आगे रखते हुए फ्लाई स्टिच बनाती हैं। ये बहुत सुंदर स्पाइक्स बनती हैं। इनके बीच में एक एक फ्रेंच नॉट लगाएंगे तो ये बहुत ही सुंदर इफेक्ट देंगे। इनके बीच में हम एक एक फ्रेंच नॉट लगाएंगे लेकिन सिंगल रैप से, क्योंकि स्पेस कम है तो हम छोटी छोटी सी फ्रेंच नॉट्स लगाएंगे। इस लाइन को और स्ट्रेंथ देने के लिए हमने सिंगल रैप की एक एक फ्रेंच नॉट इसके
साइड में लगा दी हैं, जिससे ये और भी सुंदर इफेक्ट दे रहा है। तो ऐसी छोटी छोटी सी मॉडिफिकेशंस आप अपनी इमेजिनेशन से कर सकते हैं, जिससे आपका मोटिफ ब्यूटीफुल लगे। ये थोड़ी सी ब्रॉड लगे, इसी वे से हम इसके दोनों तरफ थोड़ी थोड़ी सी फ्रेंच नॉट्स लगा लेंगे। अब हम ये जो लाइन है इसको स्टेम स्टिच के साथ वर्क कर लेते हैं। अब हम फ्लावर बनाएंगे। तो आप देख, सबसे पहले हम यहाँ पे एक इलोंगेटेड फ्रेंच नॉट लगाएंगे, ये देखिए, और इस पे हम 10 रैप्स लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इलोंगेटेड फ्रेंच नॉट के बाद हम इसके ऊपर एक सबसे पहले लेजी डेजी स्टिच बनाएंगे, थोड़ा लूज रखेंगे और इसकी टकिंग करेंगे। अब ये जो बेस है, यहां से निडल निकालते हुए, अब ये जो हमारे दोनों तरफ स्टिचेस बने हैं, इन पे हम बटन होल स्टिच करेंगे। 8-8 टाइम हम दोनों तरफ बटन होल स्टिच करेंगे और बड़े हल्के हाथों से करेंगे ताकि इसका इफेक्ट दिखाई दे। 2, 3, 4, 5, 6 7 and 8। अब ये जो दूसरी तरफ का स्टिच है, ये वाला, इस पे भी हम 8 टाइम बटन होल स्टिच करेंगे। ऐसे तो ये हमारे 8 टाइम दोनों तरफ 8-8 टाइम बटन होल स्टिच हो गया। इसको हम नीचे बेस पे यूं टकिंग कर देंगे। इसी तरीके से अब हम बाकी पेटल्स भी बनाएंगे। देख रहे हैं कितनी ब्यूटीफुल हमारी पेटल्स बन रही हैं। इसी तरीके से हम ये पूरा फ्लावर बना लेंगे।
तो देखिए फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी सी मॉडिफिकेशंस और डिफरेंट टाइप के स्टिचेस को यूज करते हुए हमने कितना ब्यूटीफुल मोटिफ क्रिएट कर लिया है। तो अगर आपको आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो प्लीज इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।